और अब ये देखिए स्टेज पर ये माइकल जैक्सन के शू के लिए भी फ्रेम बनाया हुआ है। अगर आपने मेरी लास्ट माइकल जैक्सन पर बनाई वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि वो 45 डिग्री वाला एंटी ग्रेविटी डांस कैसे करते थे। अगर नहीं देखा तो आज आपको वो सीक्रेट इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं करते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है जो आप ऐसा बोल रहे हो। और कुछ लोग जिन्हें सही लगा उनका क्वेश्चन था कि फिर बैक डांसर ने कैसे वही सेम स्टेप कर लिया, वो तो सिर्फ माइकल जैक्सन कर पाते थे। और तीसरा सवाल, अगर वो कोई ट्रिक थी तो कोई क्यों आज तक वो एंटी ग्रेविटी वाला स्टेप नहीं करता। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आज तक ऐसा वीडियो आपने YouTube पर या कहीं और नहीं देखा होगा विद ऑफिशियली प्रूफ, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये वीडियो है जिसमें माइकल जैक्सन ने लाइव ऑडियंस के सामने आकर एंटी ग्रेविटी डांस किया था। और अब ये देखिए स्टेज पर ये माइकल जैक्सन के शू के लिए भी फ्रेम बनाया हुआ है। और जैसे ही वो यहाँ आएंगे उनका शू इस सॉकेट में फंस जाएगा और अंदर से एक और कील निकलेगी जो शू में फंस जाएगी। अब इनके बैक डांसर के शू को देखिए, इसमें आपको एक सॉकेट दिख रहा होगा जिसमें स्टेज से निकलती एक कील फंस जाती है, जो कि कुछ इस तरह के शू होते हैं। और अब ये देखिए ध्यान से बैक डांसर के शू के नीचे भी आपको एक कील दिख रही होगी उठी हुई। और अब जैसे ही वो अपना स्टेप खत्म करते हैं वो कील अंदर चली जाती है, देखिए वो गायब हो गई। वीडियो क्वालिटी कम है लेकिन ये सच है, आप यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एक नहीं काफी ऑफिशियली न्यूज आर्टिकल ने इस बात को प्रूफ किया था लेकिन बैक डांसर के बारे में किसी ने नहीं बताया था, जो कि आज आपने समझ लिया। और दूसरी बात, उनके जैसा स्टेप आज तक कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्होंने इस स्टेप को पेटेंट करा लिया था, अगर कोई करता है तो उसे जेल हो सकती है। और हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था उसमें तो हमने कोई कील नहीं देखी, तो सर जी वो रिकॉर्डेड सॉन्ग था, लाइव नहीं, वो एडिट करके लोगों के पास पहुंचाया गया था। अब सोचिए जरा उस टाइम डायनासोर की मूवी भी इतनी रियलिस्टिक होती थी कि आपको सब रियल लगता था, तो एक म्यूजिक वीडियो में से कील रिमूव करना कौन सी बड़ी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं किसी के टैलेंट के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस रियलिटी आपके सामने रखी है। और दोस्तों मेरा काम भी है आपको दुनिया की हर सच्चाई के करीब लाना, जो कि मेरे चैनल की टैगलाइन भी है, सी द वर्ड क्लोजर। तो दोस्तों अगर कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी।